कौशाम्बी जिले के मंझनपुर मुख्यालय स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शुक्रवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा का आगमन हुआ। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने हाथरस कांड पर चर्चा की और इसकी घोर निंदा की। पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हाथरस का डीएम अपने इशारे पर काम नहीं कर रहा है, वो लखनऊ में बैठे हुए मंत्रियों एवं अफसरों के इशारे पर काम कर रहा है। मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है। मीडिया को हाथरस की बेटी परिजनों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की जनता जाग चुकी है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनकर हर जुल्म का हिसाब लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों का दर्द जानने के लिए अपने घर में बेटी का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ एहसास की जरूरत होती है। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी के पास बेटी नहीं है तो वह बेटियों का दर्द नहीं जान सकता। इस दौरान कार्यालय में सपा कार्यकर्ता और नेताओं ने कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जी उड़ाई। ज्यादातर सपाई बिना मास्क के दिखाई दिए, साथ ही सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया गया, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके इशारे पे काम कर सकता है? आज जो सरकार है उसी के इशारे पे कर रहा है। आपको क्या लगता है कि डीएम अपनी भाषा बोल रहा है? डीएम लखनऊ की भाषा बोल रहा है। ये तो जब कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे, जब हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है, हम तो डिमांड कर रहे हैं। देखिए, एसआईटी पे परिवार को विश्वास नहीं है। त्रिपाठी जी के केस में महोबा में भी एसआईटी ने क्या किया वो आपके सामने, आज फिर एक एसआईटी है, उसकी कुछ रिपोर्ट बन जाएगी फिर उसमें सामने आ जाएगा। हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, उनके मॉनिटरिंग में, उनके कंट्रोल में इसकी सीबीआई की जांच करें और उसको लगातार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, तब हो सकता है परिवार को न्याय मिल जाए, वरना इस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा परिवार को। क्या हाथरस और बलरामपुर में जो रेप की जैसे कांड हुए हैं, इस पर डीएम इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। रोज उत्तर प्रदेश में एक निर्भया कांड हो रहा है, आपको इस पे फर्क ही नहीं पड़ता। कोई उस पे ट्वीट नहीं आता, उस पे कोई फोन कॉल नहीं आता, उस पे कोई सामने नहीं आता। बड़े बड़े देश विदेश में कोई मर जाता है तो उस पे तुरंत ट्वीट करते हैं, तुरंत फेसबुक पे आते हैं। दिक्कत यह है ना कि यहां मन की बात भारतीय जनता पार्टी में एक ही तरफ से होती है, एक आदमी बोल रहा है वही बोलता रहेगा, आप टीवी पे देखते रहो जितना देख सकते हो। 7 साल में मुझे नहीं लगता दुनिया में आज तक का रिकॉर्ड होगा कोई दूसरा इलेक्टेड हेड ऐसा हो दुनिया में, कोई भी किसी देश में, जिसने 7 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो, प्रेस का एक सवाल ना लिया हो। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा हो हल्ला हो रहा है कि जिस देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया की बेटी नहीं तो वो बेटी का दर्द क्या जाने, इस पर कहां से सहमत है? देखिए, दर्द जानने के लिए होना जरूरी नहीं है। जो मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि हमको आपको बता दिया गया कि जलती कढ़ाई में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, तो हम में से आप में से शायद ही किसी ने डाल करके देखा हो। अगर आदमी इंसान है, अगर दिल है, अगर महसूस करने की क्षमता रखता है, अगर संवेदनशीलता है, अगर जो चीजें आदमी को आदमी बनाती हैं, इंसान बनाती हैं, हमदर्दी है, मोहब्बत है, सेंसिटिविटी है लोगों की, तो दर्द महसूस कर सकता है। ये अलग बात है कि दर्द महसूस ही ना करना चाहे, ये अलग बात है कि हमारी आपकी आवाज पहुंचे ही ना उस तक, ये अलग बात है कि सत्ता का अहंकार, सत्ता का गुरूर, सत्ता का घमंड हमारी आपकी आवाज न पहुंचने दे रहा, उत्तर प्रदेश का दर्द न पहुंच रहा हो, पीड़ितों का दर्द न पहुंच रहा हो, परिवारों का दर्द न पहुंच रहा हो, लेकिन कोई जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। ये मैं इस बात से सहमत नहीं, वही वाली बात हो गई कि जैसे वित्त मंत्री जी ने कह दिया था कि भाई मैं प्याज नहीं खाती इसलिए मुझे प्याज का रेट ही नहीं पता। तो भाई प्याज तो हम भी नहीं खाते लेकिन रेट पता है, एमएसपी कितने में है और कितने में बिक रहा है वो हमको पता है। ऐसा थोड़ा कि हम आड़तीय का काम करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो ये मेरा विचार। दस्तक भारत के लिए संवाददाता कौशाम्बी से अली मुतद्दा की खास रिपोर्ट।